हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम मार्केंसिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिंक टैप करके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरनल, अगर हम थैलस के इंटरनल सेक्शन की बात करें तो वहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, थ्री डिस्टिंक्ट या फिर तीन अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं इंटरनल रीजन के अंदर। एक होता है यहाँ पे एपिडर्मल रीजन, ठीक है, एपिडर्मल, जिसके अंदर एपिडर्मिस होगी। नेक्स्ट यहाँ पे होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। एंड थर्ड होता है यहाँ पे स्टोरेज रीजन, जो ये फोटोसिंथेसिस होके जो बनेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। एंड एपिडर्मिस क्या करेगी, एपिडर्मल रीजन प्रोटेक्शन करेगी। तो ये तीन रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं, वन बाय वन हम इनको डिटेल में अब देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एपिडर्मल रीजन, ये जो है ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है। ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है अपर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर की ये बनी हुई होती है। तो इसमें ऊपरी और निचली एपिडर्मिस शामिल है, ठीक है। एपिडर्मल क्षेत्र के अंदर भी दो एपिडर्मिस होती है, एक अपर एपिडर्मिस एक लोअर एपिडर्मिस। ऊपरी या पृष्ठीय एपिडर्मिस, जिसको डोर्सल एपिडर्मिस बोला जाता है, क्योंकि ये डोर्सल साइड होती है एंड इधर साइड ही वेंट्रल साइड आ जाती है नीचे की साइड, एंड ये ऊपर की साइड डोर्सल साइड होती है थैलस की। तो डोर्सल साइड की साइड में, डोर्सल साइड की तरफ यहाँ पे एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये जो डोर्सल एपिडर्मिस है, प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। और ये जो रीजन है इसके नीचे ही फोटोसिंथेटिक रीजन है, तो जो प्रकाश संश्लेषण वाला रीजन है उसके ऊपर ये एक सुरक्षात्मक आवरण बना के रखता है, ये इसकी प्रोटेक्शन करता है। ये कई बैरल के आकार के वायु छिद्रों, ठीक है, बैरल शेप के एयर पोर से बाधित होता है, इंटरप्टेड होता है। ये यहाँ पे बैरल शेप के पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जो आंतरिक रूप से वायु कक्षों में खुलते हैं। और ये अंदर की तरफ ये जो है ये वायु कक्ष या फिर एयर चैम्बर होते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, एयर चैम्बर है। तो ये एयर चैम्बर्स के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। ये पोर्स थे, पोर्स किसके अंदर खुलेंगे, एयर चैम्बर्स के अंदर खुलेंगे। प्रत्येक छिद्र आमतौर पर कोशिकाओं के 4 से 8 सुपर इम्पोज स्रोत से घिरा हुआ होता है। अभी जो हर एक छिद्र है जिसको वायु, जिसको एयर पोर बोला जाता है या फिर वायु छिद्र बोला जाता है, ये आमतौर पर 4 से 8 सुपर इम्पोज्ड स्तरों से घिरा हुआ होता है और प्रत्येक स्तर में 4 से 5 कोशिकाओं का एक वलय होता है। निचले स्तर की कोशिकाएं अंदर की ओर प्रोजेक्ट करती हैं, जो रोम छिद्रों को एक तारे के यानी कि स्टार शेप की अपीयरेंस देती है। अब ये जो हमने यहाँ पे जो बात की है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये ऐसा है ये स्ट्रक्चर। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जो ऊपर वाली लेयर हो गई एंड कुछ अंदर वाली लेयर हो गई, तो इसमें ये एक वलय बनाता है, जो कि 4 से 5 कोशिकाओं का एक वलय होता है। सबसे निचले स्तर की जो कोशिकाएं होंगी वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करती है, ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और जो रोम छिद्रों को एक तारे यानी स्टार शेप की अपीयरेंस देता है। आधा वलय पृष्ठीय एपिडर्मिस के ऊपर होता है और दूसरा आधा एपिडर्मिस के नीचे वायु कक्ष में फैला हुआ होता है। अब ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये नीचे की तरफ एक एयर चैम्बर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर इसका है। अब इसके अंदर ये जो आधा वल्य है, ये जो आधा वल्य यहाँ पे बना है, पूरा ये है और आधा ये, आधा इसका ये हो गया। तो ये जो आधा वल्य है वो क्या है, आधा वल्य पृष्ठीय एपिडर्मिस स्तर के ऊपर होता है, आधा ऊपर है और आधा क्या होता है, वायु कक्ष में फैला हुआ होता है। ये वायु कक्ष है, एयर चैम्बर है, इसके अंदर फैला हुआ होता है।
इस प्रकार के छिद्रों में हाशिए की तुलना में बीज से तुलनात्मक रूप से व्यापक छिद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो वाइड पोर पैसेज होते हैं मिडल के अंदर, देन मार्जिन से, ठीक है, मार्जिन के ऊपर क्या होंगे, जैसे कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो मिडल के अंदर यहाँ पे जो है वाइड पोर्स होते हैं, वाइड छिद्र होते हैं, और जो यहाँ पे मार्जिन्स के ऊपर है वो कैसे होते हैं, वो जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं, छिद्र रंध्र के समान होते हैं। अभी जो एयर पोर है, एयर वायु छिद्र है, ये स्टोमेटा के समान ही होते हैं, लेकिन रोम छिद्रों की दीवार की कोशिका और रंध्रों की रक्षक कोशिकाएं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, रक्षक कोशिकाएं होती है, जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, की तरह रोम कूपों के आकार को नियमित करती है। अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, रोम छिद्रों की दीवार में जो गार्ड सेल्स हैं जो इसके आकार को नियंत्रित करके रखती है, लेकिन एयर पोर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, वैसे ये छिद्र रंध्र के समान ही होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे गार्ड सेल्स पाई जाती हैं स्टोमेटा के अंदर, और जो छिद्र होते हैं वायु छिद्र होते हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। भंडारण क्षेत्र की सबसे निचली परत निचली एपिडर्मिस यानी लोअर एपिडर्मिस बनाती है। निचले एपिडर्मिस की कोशिकाएं राइजोइड्स और स्केल्स को जन्म देती है। अब जो निचली जो कोशिकाएं होंगी वहां पे क्या निकलेंगे, वहां पे राइजोइड्स और स्केल्स निकलेंगे। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, ये सबसे नीचे वाली यहाँ पे क्या है, ये एपिडर्मिस है। बीच में स्टोरेज रीजन आ गया, इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रीजन के यहाँ पे क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होती है। तो ये रीजन्स यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद, इस रीजन के बाद, इस एपिडर्मिस के बाद, इस एपिडर्मिस के अंदर एयर पोर्स होते हैं जो कि इस एयर चैम्बर के अंदर खुलेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, कुछ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट यहाँ पे होते हैं। ऊपरी एपिडर्मिस के बाद बड़ी संख्या में वायु कक्ष होते हैं, ठीक है, ये वायु कक्ष यहाँ पे होते हैं, ये कक्ष एक दूसरे से एक परत विभाजन, ठीक है, एक एक परत यहाँ पे एक सेल की बनी होती है, ये एक परत वाली विभाजन दीवार से अलग होते हैं, जो पतली दीवार वाली कोशिकाओं से युक्त 4 से 6 क्लोरोप्लास्ट का बना हो। अब इनके अंदर भी क्या होगा, जो पतली दीवार वाली कोशिकाओं से युक्त है, और ये किससे बना होता है, 4 से 6 क्लोरोप्लास्ट का बना होता है। वायु कक्ष आमतौर पर आकार में एक समान होते हैं और एकल क्षैतिज पंक्ति यानी सिंगल हॉरिजॉन्टल रो में व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा था, तो इसके अंदर ये क्या है, ये एक एयर चैम्बर है, ये एक क्या है, एयर चैम्बर है। तो ये जो एयर चैम्बर है इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल रो के अंदर, कुछ वायु कक्ष के अंदर सिंगल हॉरिजॉन्टल रो के अंदर ये यहाँ पे ये फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल रो के अंदर। प्रत्येक कक्ष के तल में कई सरल और शाखित प्रकाश संश्लेषण तंतु, ये जो तंतु इसके अंदर है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण फिलामेंट यानी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इनके अंदर उत्पन्न होते हैं। फिलामेंट्स क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से बने होते हैं। अब इन फिलामेंट्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, फिलामेंट्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर वायु कक्ष होते हैं, और ये एक एकल कोशिका के एक दीवार से एक परत से विभाजित होते हैं, और ये एक सिंगल हॉरिजॉन्टल रो के अंदर अरेंज होते हैं, और इनके अंदर कुछ यहाँ पे सरल या फिर शाखित यानी कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड संश्लेषक तंतु यानी कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट यहाँ से उत्पन्न होते हैं, एंड इन फिलामेंट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नंबर थर्ड रीजन होता है स्टोरेज रीजन, इसके नीचे ये स्टोरेज रीजन होता है, और स्टोरेज रीजन की जो नीचे नीचे वाली जो यहाँ पे वॉल होती है उसको बोला जाता है लोअर एपिडर्मिस।
ये जो स्टोरेज रीजन है, यह प्रकाश संश्लेषक क्षेत्र के ठीक नीचे बहुभुज पैरेन्काइमेटस कोशिका, ये कैसा बना होता है? बहुभुज पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, और ये परतें जो है कॉम्पैक्ट क्षेत्र में, क्षेत्र के रूप में स्थित होती है। अभी बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सटी हुई है, इनके बीच में कोई जगह नहीं है। भंडारण क्षेत्र में बीच से मोटा, अब ये बीच अगर हम देखें यहाँ पे, ये बीच से मोटा है, और ये वाले क्या है, इसके ये वाले क्षेत्र मार्जिन्स है, और मार्जिन्स के ऊपर धीरे धीरे कम होते जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं रहित होती है और उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं रहित होती है और इनके बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इनके अंदर ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे सटी हुई है, इनके बीच में कोई यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। भंडारण क्षेत्र की अधिकांश कोशिकाओं में स्टार्च या प्रोटीन कणिकाएं होती है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टार्च हो सकता है, स्टार्च के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या तो प्रोटीन हो सकता है, और कुछ श्लेष्मा यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, म्यूसीलेज, या फिर यहाँ पे ऑयल सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे स्टार्च या फिर प्रोटीन हो सकता है, या फिर म्यूसीलेज, या फिर यहाँ पे तेल युक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। तो ये चार चीजें यहाँ पे स्टोरेज रीजन के अंदर पाई जाती है, और इन चार फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, ये जो हमने चार फॉर्म्स की बात की, इन चार फॉर्म्स के अंदर यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फूड जो है ये स्टोर होता है। मध्य सिरा क्षेत्र की कोशिकाएं स्पर्श रेखा से लंबी होती है और इनमें जालीदार गाढ़ापन यानी इनकी रेटिकुलेट थिकनिंग इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मध्य सिरा की जो कोशिकाएं होती है यानी कि जो थैलस ऐसे था, तो यहाँ पे ये जो मध्य सिरा की कोशिकाएं थी स्पर्श रेखा से, ये कैसी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, और इनमें जालीदार गाढ़ापन पाया जाता है, यानी कि रेटिकुलेट थिकनिंग इनके अंदर, जाली से इनके अंदर बनी होती है। इसके अलावा यहाँ से राइजोइड्स और स्केल्स यहाँ से निकलते हैं, स्मूथ वोल्ड राइजोइड्स हैं और ये मल्टी सेलुलर स्केल्स यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ तक हमने इंटरनल इसका जो स्ट्रक्चर है थैलस का वो देख लिया है कि उसके अंदर तीन रीजन होते हैं। एपिडर्मल रीजन होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है, इसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन है जो कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड लास्ट वन यहाँ पे स्टोरेज रीजन होता है जो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मार्केंसिया की रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।